इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं 15 ऐसी अमेजिंग टिप्स दिखाऊंगी जो आप कैनवा पे यूज कर सकते हैं और आपको इसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आप एक यूट्यूबर है और एक आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं या फिर आप बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, आप एक टीचर हैं, तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं आप। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो वेबसाइट है, आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं इसको। आपको डायरेक्ट कोई भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये टोटली फ्री है सभी के लिए। साथ में इसका आपको कोई भी मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप फ़ोन में या फिर लैपटॉप दोनों चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब के थंबनेल बनाते हैं या फिर कुछ भी आप करते हैं फ़ोटो या वीडियो के रिलेटेड, तो आपको मैं इस वीडियो में टोटली दिखाऊंगी आप किस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं और आप उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली के डेली अपडेट्स ऐसे रिलेटेड टेक्निकल के आपको मिलते रहे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे, मेरा नाम है अर्चना कश्यप। तो चलिए वीडियो को जल्दी ही स्टार्ट कर। तो जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, आपने डायरेक्टली यहाँ पे कैनवा वेबसाइट ओपन कर लेनी है गूगल पे लिखकर। अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कैनवा के फीचर्स बता देती हूँ। आप इसमें कोई भी फोटो, किसी तरह की भी फोटो अगर आपने चेंजेस करनी है, एडिटिंग करनी है, कुछ भी करना है, लोगो बनाना है, तो आप सब कुछ इसमें कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री में है सब कुछ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट, टी शर्ट का आपने करना है, लोगो, वेबसाइट रिज्यूम, आपने कुछ भी यहाँ पे करना है या यूट्यूब से रिलेटेड करना है या फिर कोई फेस्टिवल या फिर इवेंट, आपको बहुत सारे यहाँ पे पोस्टर्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले टिप के ऊपर। जैसे मान लीजिए ये मैंने ब्लैंक वाइट पेज लिया है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फोटो है जो कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में, उसको आप अपोजिट करना चाहते हैं उस तरफ, तो आप उसको कैसे करेंगे? तो सिंपली आपने सबसे पहले अपलोड ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे आप अपलोड मीडिया करेंगे, उसके बाद आप डिवाइस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी आपने फोटो करनी है आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहीं पे, यहाँ पे आप बैक जाएंगे तो आपको यहीं पे शो होगा जो जो आपने अपलोड किया होगा आज तक, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फोटो है, इसको आप अगर ध्यान से देखें तो ये राइट हैंड साइड जो मेरी की हुई है, मुझे मान लीजिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो ये मैं कैसे करूंगी फोटो को? तो आपने सिंपली आपने क्या करना है, इस फोटो को क्लिक करना है, उसके बाद फ्लिप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल का, आप क्लिक करेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड आ चुकी है, ठीक है। तो ये देखिए आप इसको अब लेफ्ट हैंड साइड में इसको आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत ईजी स्टेप है यहाँ पे। अगर फ्लिप पे दोबारा जाएंगे आपको फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसा आपको चाहिए आपको वो ऑप्शन प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड टिप के ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फोटो पे शेडो कैसे लेके आ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यही वाली फोटो ले लेती हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली फोटो ले ली है, मुझे इस फोटो के पीछे जो है शेडो चाहिए, तो इस फोटो के पीछे शेडो कैसे ले जाऊंगी? तो आपने सिंपली क्या करना है, इस फोटो पे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस फोटो को कॉपी करना है। तो आप उसको फोटो को कॉपी कैसे करेंगे? या तो आप सिंपली कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो ये फोटो कॉपी हो चुकी है, कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो ये फोटो पेस्ट हो चुकी है। तो आपकी ये फोटो दो बार यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इससे नहीं करना है तो आप कैसे करेंगे, फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है डुप्लीकेट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये फोटो एक बार और आ चुकी है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको क्लिक कर लेंगे फोटो के ऊपर, उसके बाद आप इफेक्ट पे जाएंगे। इफेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ड्यू ट्यून का, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले यूज किया हुआ है इसलिए मुझे यहाँ पे शो होगा। आपने कभी यूज नहीं किया तो आपको यहाँ पे करना है और वहां पे कनेक्ट का ऑप्शन मांगेगा, जस्ट आपने कनेक्ट पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपको ये भी ऐसी दिखने लगेगी। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं हमारी फोटो का जो फर्स्ट फ्रंट था वो चेंज हो चुका है बिल्कुल। तो आपने जो यूज किया था उसके ऊपर आप ये लेयर्स दिख रहे हैं, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, आपको कलर्स मिल जाते हैं। आप यहाँ को एक शेडो बनानी है तो आप ब्लैक पे जाएंगे, यहाँ से आप दोनों शेडो का भी चेंज कर दें, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड कर दी जाती है, हम फुल करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे।
अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पोजीशन का, तो आपने पोजीशन पे जाके बैकवर्ड करना है। तो आप देख सकते हो हमारी फोटो जो है वो पीछे चली गई है। उसके बाद आपके शेडो यहाँ पे बन चुके हैं, लेकिन पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं बनी है, ये ब्लैक सा अलग सा लग रहा है। तो आपने उसको कैसे करना है, आपने फोटो पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसपेरेंसी का, आप इसको आप कम कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं हमारी शेडो जो है इस फोटो की बन चुकी है। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी चाहिए तो आप थोड़ी सी रखेंगे, तो आप अपने हिसाब से, आपको जैसी चाहिए आप उस हिसाब से अपनी फोटो को चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मुझे पूरी फोटो में चाहिए, तो जैसे मान लीजिए ऐसे चाहिए, तो मैं ऐसे कर लूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी दो लेयर है, ठीक है, आपकी फ्रंट वाली लेयर जो आपकी क्लिक हो रही है, लेकिन आपको बैक वाली जो वो है फ्रंट वो करनी है क्लिक, तो आप उसको कैसे करेंगे। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी फोटो को क्लिक करना है, उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से अल्ट का प्रेस करना है बटन। प्रेस करने के बाद आपने अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे, तो आपके पास वो, ये देखिए आपको अगर दिख रहा होगा तो ये चेंजेस आ रही है, तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा आपका बैकवर्ड वाला आपका भी सिलेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक फोटो है, अब मुझे इसमें लिंक लगाना है, मतलब अगर मेरी इस फोटो को यहाँ पे कोई क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाए, मुझे इस टाइप का चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले आप इसका जो भी आपने नेम चेंज करना है, आपको सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं तो आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देती हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पे मिल गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नेम यहाँ पे चेंज कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस फोटो पे यहाँ पे कोई क्लिक करे, तो आपने क्या करना है, पहले अपने जिस पे आपने करना है आपने उस पे क्लिक करना है टेक्स्ट पे, उसके बाद आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन मिलता है, लिंक पे आपने क्लिक करना है, आपने जो भी यहाँ पे लिंक अपना यूआरएल लगाना है आप डायरेक्टली यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लगा दिया, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है कुछ भी, ठीक है, जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगी यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन मतलब आपका यूआरएल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये क्रिएट करने के बाद आपको, अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको जेपीजी या फिर पीएनजी वगैरह में नहीं करना है, क्योंकि फिर ये लिंक हट जाएगा वहां से, आपको इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके या फिर किसी और चीज में कन्वर्ट करके आपने सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है थ्री डॉट पे जाने के बाद, यहाँ पे आप सी ऑल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप वो कर सकते हैं, तो आपका यूआरएल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ टिप के ऊपर। तो फिफ्थ टिप में ये है, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई फोटो है, या फिर यहाँ पे मान लीजिए जैसे आपके पास ये वाली फोटो है, इस फोटो को आपने हाईलाइट करना है, तो आप इसको कैसे हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले मैं इस फोटो का बैकग्राउंड का जो है कलर चेंज कर लेती हूँ, ताकि अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ इस इमेज को तो आपको इजिली दिखाई दे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं ये कलर चूज कर लेती हूँ, उसके बाद आप इसको जैसे आप मान लीजिए इस साइज बड़ा कर लेते हो, आपने इस फोटो का जो है हाईलाइट करना है, तो आप कैसे करेंगे, आपने इफेक्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन सेम जो आपने शेडो में यूज किया था आप वही ऑप्शन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे ये वाली फोटो है, इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करना है, तो मैं इसको कैसे करूंगी। तो आपके लिए इसको सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी जो फोटो है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इफेक्ट के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे, आपको ये ऑप्शन यहाँ पे जो आपने शेडो के लिए यूज किया था आप वही ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पे चेंजेस हो गई हैं, यहाँ पे आप लेयर्स पे जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ से कलर जो है यहाँ पे आप हाईलाइट करना है तो आप व्हाइट पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी आपने व्हाइट ले लिया है, आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पोजीशन पे जाना है, उसके बाद आप बैकवर्ड कर देंगे। बैकवर्ड करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी फोटो जो हल्की सी हाईलाइट हो चुकी है, तो आपको उसको आप एडजस्ट करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मुझे बैक वाला करना है, तो मैं बैक वाले का पहले से वो हाईलाइट की जो वो है वो इंक्रीज कर देती हूँ, ताकि ये इजिली हाईलाइट हो सके। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये देखिए, तो ये जो हमारी फोटो है यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। उम्मीद करते हो आपको ये वाली जो टिप है बहुत ज्यादा अच्छी और अमेजिंग लगी होगी, आपको ये पहले नहीं पता होगा। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे ये वाली फोटो दोनों जो है, अगर आप एक मूव करते हैं तो एक हो रही है, फिर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, आपके पास काफी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपको दोनों फोटो को एक साथ मूव करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप है, तो
तो जैसे मान लीजिए आपने डबल यहाँ पे सिलेक्ट किया, आपके उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है ग्रुप का। आप ग्रुप जैसे करेंगे, आप जहां भी इसको मूव करेंगे साथ में होगा। ठीक है, ये देखिए, तो अगर आपने अभी इसको मान लीजिए अनग्रुप करना है, आप इस पर अनग्रुप कर देंगे, फिर ग्रुप कर देंगे तो ग्रुप हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने इसको, जैसे मान लीजिए आपने पोजीशन इसकी सेट कर लिया, आपको उसको बिल्कुल भी कहीं भी मूव नहीं करना है, आप नहीं चाहते कोई भी चेंजेस करे तो इसमें कोई इफेक्ट आए, तो आपने यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आपको मिलता है, आपने लॉक कर दिया। कुछ भी हो जाए आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लॉक को तोड़ना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लॉक जो है यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से ये कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि इस फोटो का मुझे वो जो पीछे बैकवर्ड वाला है वो मुझे आगे लेके आना है, आप पोजीशन पे जाएंगे, उसके बाद आप बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपकी फोटो वाली पीछे चली गई है और ये वाली आपके आगे आ गई है। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन से, जैसे आपकी कोई भी लेयर आगे पीछे हो जाती है तो आप इसका ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने फ्रंट पे लेके आ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे इस, ये जो मैंने लोगो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास लोगो है जो आपने क्रिएट किया, लेकिन आपको इसको एनिमेशन में करना है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे अगर आप कहीं भी कहीं पोस्ट डालते हैं। ठीक है, तो 3D या 2D इफेक्ट में आप इजिली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने अगर इसके ऊपर चेंज किया तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही, यहाँ पे अपना जो भी आपने फॉन्ट लिखना है, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला फॉन्ट यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो अब मुझे इसको एनिमेशन करना, तो आप बाहर की तरफ इसको पहले क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एनिमेट का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये दो चार ऑप्शन जो है आपको मिल जाते हैं यहाँ पे एनिमेट के लिए, बाकी के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए मैं बिना मेंबरशिप वाली जो है यहाँ पे क्लिक कर लेते हो, तो मान लीजिए मुझे ये वाली पसंद आई है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपनी टाइमिंग चेंज करेंगे। टाइमिंग जैसे मान लीजिए मैं 5 सेकंड का रख लेती हूँ, आप डन पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए आपने एनिमेट तो कर दिया है लेकिन आपको पता नहीं ये दिखेगा कैसे, तो आप कैसे देखेंगे, आपके पास ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, आप क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं अगर आप इसका यूज करेंगे तो ये बहुत ज्यादा इजी और इफेक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। आप इसका यूज करके यहाँ से डाउनलोड सिंपली कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कोई भी एक कलर आप यहाँ पे चूज कर पा रहे हैं, अगर आपको चाहिए कि आप अपने चॉइस से दो तीन कलर एक साथ आप इसमें यूज कर सकते हैं, अगर बैकग्राउंड यूज करना है आपने ग्रेनाइट का, तो आप कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इफेक्ट एलिमेंट्स पे चले जाना है। सॉरी, एलिमेंट्स पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है जो आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ग्रेनाइट चाहिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। आपने जिस आपको इसमें जिस शेप में चाहिए आप वो शेप क्लिक करें। मान लीजिए मुझे इसमें पूरी फोटो में ही पूरे बैकग्राउंड में यूज करना था, ये वाला आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने हिसाब से आप इसको चेंजेस कर देंगे। तो जैसे देख सकते हैं आप, हमने ये फोटो जो है यहाँ पे चेंजेस कर दिए, हमने यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर चुका है। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ऑप्शन तीन कलर के, यहाँ पे तीन कलर यूज हुए हैं। अगर आप इसको चेंज करेंगे, आप जो ब्लू की जगह आपने मान लीजिए आपने यहाँ पे व्हाइट लेना है तो आप व्हाइट पे क्लिक करेंगे। आपने अगर ये इस कलर की जगह अगर आपने ग्रीन लेना है, आप ग्रीन ले लेंगे। अगर आपने ये कलर लेने की जगह आपने, अगर आपने येलो लेना है या फिर ग्रीन लेना है, आप अगर कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली कोई भी कलर ग्रेडिट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी तरफ से लेना है तो आप न्यू कलर पे जाके कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छी चीज है। अगर देखिए आपको कितना प्यारा कलर लग रहा है, आप अपने हिसाब से इसको चॉइस कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई रिज्यूम या कोई प्रेजेंटेशन कोई आपने यहाँ पे बनाई है, लेकिन यहाँ पे जो फोटो वगैरह है ये आपकी PNG या JPG में सेव हो रही है, तो आपने इसको अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेकर आना है तो आप उसको कैसे लेकर आएंगे। तो सिंपली जब भी आप अपने डिजाइन कर लेंगे अपने हिसाब से, आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप सी ऑल पे करेंगे, सी ऑल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको नीचे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको MS में चेंज कर सकते हैं और वहां पे भी जाकर आप चेंजेस कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट मेल करना है तो यहाँ पे आपको मेल का भी ऑप्शन मिल जाता है ऊपर में, तो आप यहाँ से डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा 10th टिप ये है,
जैसे मान लीजिए आपने ये बुक का कवर कोई क्रिएट किया, अगर आप किसी क्लाइंट को या फिर ओवरव्यू के लिए भेजते हैं, तो अगर आप ऐसी इमेज भेजेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा इतना देखने में, आपका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा नहीं पड़ेगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज मिल जाती है कि वो बुक में देखने में कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे देखिए बिजनेस कार्ड, पोस्टर या फिर गिफ्ट, जो भी आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए करना है, आपने इसका डिजाइन चेंज करना है, रिसाइज करना है, आप कुछ भी यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको इसको बुक टाइप में दिखाना है, तो आप इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नीचे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वाले ऑप्शन आ जाएगी। तो आपने इसको पहले कनेक्ट कर लेना है, कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है बुक टाइप के दिखाएंगे, तो आप उसको सिंपली क्लिक करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं कट कर देते हैं, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि आपने ये वाली फोटो जो है आपने क्रिएट किया है, ठीक है, पोस्टर या फिर आपने कुछ लिखा है, आर्टिकल लिखा है, आप राइटर हैं, कुछ भी है आपने क्रिएट किया है, तो अगर मान लीजिए आपने इसका लिंक भेजना है किसी को कि वो डायरेक्टली इसको आप देख सकते हैं, आपने अगर वेबसाइट पे आपने ये लिंक लगाना है, तो आप इसको कैसे करेंगे, आप सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सी ऑल का ऑप्शन मिल जाता है, सी ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखते थे एम्बेडेड, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका URL या फिर HTML जो भी यहाँ पे है यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये क्रिएट कर चुका है, आपको अगर HTML में चाहिए तो आप HTML में क्लिक कर ले, या फिर आपको कोई और लिंक में चाहिए, स्मार्ट लिंक चाहिए, तो आप इसको कॉपी करके अपने वेबसाइट में भी यूज कर सकते हैं, आप ये डायरेक्टली किसी को सेंड कर सकते हैं, तो ये उसके पास लाइव जो है आप ये कभी भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका लाइव भी आप देख सकते हैं, आप कोई भी चेंजेस करेंगे तो जो भी आप चेंजेस करेंगे वो लाइव इस लिंक से शेयर करके देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपके पास ये फोटो है, आपने इसमें बहुत कुछ चेंजेस किए हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है देखने में, तो आप इसको कैसे इसका साइज इंक्रीज करेंगे या फिर कम करेंगे, तो इसके लिए सिंपली आप अपने कीबोर्ड से एक अल्ट प्लस का अगर ऑप्शन क्रिएट करते हैं तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आपने यहाँ से आप देख सकते हैं कम ज्यादा जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, यहाँ से आपको भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, आपको जितना ठीक लगे आप उतना साइज इसका रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप के ऊपर। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला जो मेरा यहाँ पे मैंने डिजाइन यूज किया है, इसकी मैंने ओपेसिटी कम करनी है, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जिसकी कम करनी है उसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसपेरेंसी का, आप इसके ऊपर इसका लाइट जो है यहाँ पे जितना आपको कम चाहिए तो आप इसका लाइट जो है यहाँ से आप कम कर सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये मेरा कलर चेंज हो चुका है, ठीक है, तो आपने इस हिसाब से इसका चेंज कर सकते हैं। तो आप देखते हैं पीछे का बैकग्राउंड भी आप कर सकते हैं, मुझे इसका करना है ट्रांसपेरेंसी तो आप इसको चेंज कर देंगे, तो इस हिसाब से आपकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे चेंज हो जाती है। एक मैं आपको नई टिप दिखाने वाली हूँ, मे बी ये वाली टिप आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग लगेगी और मैं इसका लाइव आपको डेमो करके दिखाने वाली हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ से आप मोर पे जाएंगे, मोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन एक मिलेगा आपको QR कोड का। QR कोड का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अगर आप चैनल या वेबसाइट या फिर पेमेंट के लिए या फिर कुछ भी अगर आप ये क्रिएट करना चाहते हैं, अपने वेबसाइट पर लगाना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे सेंड करेंगे, आपको सिंपली मोर पे जाके जैसे मैं आपको दिखाया वैसे आप करेंगे। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे URL क्रिएट करना है आप यहाँ पे URL को कॉपी करेंगे और आपके पास कोड आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको पहले डिलीट कर देती हूँ इन सब चीजों को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अपने चैनल यूट्यूब चैनल का यहाँ पे URL डाल रही हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपने चैनल पे आ चुके हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं अपना URL जो है कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं अपना URL पेस्ट कर देती हूँ, यहाँ पे मैं जनरेट कोड करूंगी, तो मेरा जो यहाँ पे QR जो है कोड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। यहाँ पे मैं जो भी यहाँ पे जहाँ भी डालूंगी इसका यूज बहुत इजीली हो जाएगा। आप कलर चेंज करना चाहते हैं आप कलर चेंज कर सकते हैं। अब आपको मैं लाइव दिखा देती हूँ कि आप लाइव अगर इसका करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं।
तो जैसे कि आपने देख लिया, अब ये नहीं है कि आप सिर्फ YouTube चैनल के लिए, आप YouTube चैनल, Instagram, Facebook या फिर कोई पेमेंट कुछ भी, अगर किसी भी चीज का आप QR कोड यहाँ पे बनाना चाहते हैं, इजिली बहुत इजिली यहाँ से आप QR कोड बना सकते हैं। और आप ये वाली टिप मेरे ख्याल से बहुत सारी है, 15 टिप्स बहुत ज्यादा अच्छी, फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। इसका आपके जो भी मैंने आपको 15 टिप्स बताए हैं आपको काफी ज्यादा इजी और बेहतर लगे होंगे, आपको जो इन द फ्यूचर जरूर काम आएंगे। तो आपको मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखाती हूँ जो मैंने थंबनेल के बनाए थे, तो नेक्स्ट वीडियो में उस थंबनेल के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी कि आप किस तरह ये अमेजिंग जो है बना सकते हैं थंबनेल। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक यूट्यूबर के लिए थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थंबनेल के जरिए ही कोई भी यूजर आपकी वीडियो को देखता है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे लाइव वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए #अर्चना कश्यप।